हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको एफ एम व्हाट्सएप डाउनलोड करने के बारे में बताऊंगा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके कौन 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 से फीचर्स हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से कॉपी करके सर्च बार में पेस्ट कर लेनी है। तो इधर इंटर कर देना है तो ये आ जाएगी नीचे। ये एफ एम व्हाट्सएप है, इसका साइज़ 8.12 MB है। तो ऊपर वाली सबसे लेटेस्ट वर्जन आपने डाउनलोड कर लेना है, इस पर क्लिक कर देना है। ये पी के फाइल है, ये भी डाउनलोड हो जाती है। ये डाउनलोड का ऑप्शन है तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसे वो फाइल ओपन कर लेता हूँ आपको टाइम सेव करने के लिए। इस फाइल पर क्लिक कर लेना है। शायद मेरी ये फाइल ओपन इस साइड से नहीं हो रही, तो मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा तो उधर से इसको APK फाइल ओपन कर लूँगा। APK फोल्डर में चले जाना है। बस दो फाइल पड़ी है, एक नॉट इंस्टॉल्ड है और एक इंस्टॉल्ड है। मैं नॉट इंस्टॉल जो है अभी FM उस पर क्लिक करूँगा। ये स्टार्ट ऐप इंस्टॉलिंग इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। तो ये सेटिंग मांगेगा, इसके अलावा मांगेगा परमिशन। दो इधर से परमिशन दे देनी है क्योंकि ये APK फाइल है इंस्टॉल करना। इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, अभी ये इंस्टॉल हो रही है। तो ये थोड़ा समय लेगी, तो परेशान नहीं होना, ये APK फाइल है इसलिए थोड़ा टाइम ले रही है। वैसे भी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करें तो इंस्टॉलिंग पे टाइम लेती है क्योंकि वो फाइल्स इंस्टॉल होनी होती हैं आपके एंड्रॉयड वर्जन में। तो ये FM व्हाट्सएप है, इसमें इसके मुख्तलिफ फ़ीचर्स हैं जो जिनके बारे में आपको बताऊँगा आगे चल के। भी ये फाइल इंस्टॉल हो रही है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो FM व्हाट्सएप इंस्टॉल हो रहा है, ये दूसरे व्हाट्सएप की तरह लेकिन इसके कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हैं आप। इसे ओपन कर लेना, आपने ओपन पे क्लिक कर लिया, ये ओपन हो जाएगा आपके सामने इसका फ्रंट ऑफ व्यू। ये नॉट नो कर देना है कि मैं अभी इसे परमिशन नहीं देना चाहिए, मैं अभी अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ। तो अभी एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। इधर नंबर पुट कर लेना है, मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ। इधर नंबर लिख कर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अभी ये कनेक्टिंग हो रहा है, अभी ये कहेगा कि आपके नंबर पर मैसेज जा रहा है। ये नॉट नो कर देना है। अभी ये कहेगा स्पीच करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऑटो नहीं करूँगा, मैं मैनुअल करूँगा। ठीक है, आपने भी मैनुअली कर लेना है क्योंकि उससे इसको एक्सेस नहीं मिलती आपके मैसेज वगैरह की। ये परमिशन होती है, ये बैक एंड पे काम कर रही होती है। तो कोड आ गया मेरे नंबर पे, तो मैं उसे इधर लिख लेता हूँ। कोड मैं अपना इधर आपने नाम लिख लेना, ऊपर तस्वीर लगानी है, नाम लिख कर नेक्स्ट क्लिक कर देना है। मैं अपना नाम लिखता हूँ, टल्की गाय अपने चैनल के जो नाम है, नेक्स्ट कर देता हूँ। ये आपको बता रहा है कि पिछले वर्जन में कौन कौन सी प्रॉब्लम थी और नए वर्जन में कौन कौन सी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। ये सारा आपने अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहे तो मेरी तरफ स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पर वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। ये ऊपर सुना गया, ये व्हाट्सएप स्टेटस है, ये कॉल्स है और ये यार कॉल कर दिया इन्होंने, शायद इनको याद आ गया मेरी। खैर, सॉरी फॉर डैट। चैट वाला ऑप्शन आ गया, प्लस क्लिक करने, मुख्तलिफ ऑप्शन हैं इसके बारे में आगे चल के बताता हूँ आपको। ये मैसेज है, मैसेज करने के मैं परमिशन ही नहीं थी इसलिए वो कह रहा है कि। अभी ये चैट वाला ऑप्शन आ गया, अभी मैं इसको परमिशन दे देता हूँ। इधर भी कॉल आ गई है नंबर पे। अभी ये फैट मोड पे क्लिक कर लेते हैं, हार्ड मोड पे क्लिक कर लेते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे क्लिक कर लेते हैं। ये मुख्तलिफ इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ये पहला पढ़ लें, फ्रीज लास्टिंग सॉरी फॉर डैट, डिसेबल फॉरवर्ड मैसेज, कस्टमाइज प्राइवेसी, हु कॉल मी, कौन कौन कॉल कर सकते हैं आपको, हाइड व्यू स्टेटस, एंटी डिलीट स्टेटस, ये मुख्तलिफ और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। कौन कौन आपको कॉल कर सकता है, एवरी वन की इधर आप कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकते हैं। एंटी डिलीट डिसेबल, अगर आपका कोई मैसेज है वो डिलीट कर सकता है, आप स्टेटस हाइड करना चाहते हैं, डिलीटेड स्टेटस वो भी आपको शो होगा, कोई मैं स्टेटस डिलीट कर लेता हूँ अभी आपको शो होगा। एंटी डिलीट मैसेज भी है, शो ब्लू टिक है रिप्लाई, ठीक है, उसको ये भी शो होगा कि आप मैसेज जो किया है वो नहीं, ठीक, जो आपने मैसेज किया है वो वाला, जो आपने मैसेज किया है वो डबल टिक हो, सिंगल टिक हो, वो वाले ऑप्शन थे। अभी ये इसका पैटर्न आ गया, लॉक, व्हाट्सएप को लॉक लगाना चाहते हैं तो पैटर्न लॉक और पिन लॉक है। इसे नीचे मैं चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँगा।
00 लगाऊंगा, ये पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। ये पैटर्न लगाना है, पिन लगाना है, जो लगाना है आपकी मर्ज़ी है। तो अभी मैं इसे पैटर्न कर देता हूँ। तो अगर पैटर्न चेंज करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इधर से आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं लगाना नहीं चाहता इसलिए मैं नहीं लगाऊंगा। बैक चलते हैं, अब दूसरे इसके फीचर देखते हैं। FM थीम, ये इसका बहुत अच्छा फीचर है कि आप जिस तरह का थीम लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। अगर आपके पास फाइल XML पड़ी है वो इधर से क्लिक कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं ऊपर ऑप्शन है डाउनलोड, डाउनलोड पर क्लिक कर लें और ये बहुत सारे आपको अच्छे थीम देगा जो कि आपकी पसंद के मुताबिक होंगे। तो ये मुख्तलिफ किस्म के थीम दिए हुए हैं, बहुत ही प्यारे मज़े के हैं, चेक करिएगा। आपको मुझे ये अच्छा लगा, मैं ये लगा लेता हूँ। यू वाइट अभी ये थीम लग गया है। बैक चलते हैं, अभी यूनिवर्सल पे क्लिक कर लेते हैं। ये इसके मुख्तलिफ कलर्स हैं, स्टाइल्स हैं, हाइड मीडिया, गैलरी, मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। जैसे कलर आप कोई लगाना चाहते हैं कलर लगा सकते हैं। ये स्टाइल है इसका, हाइड मीडिया, बैकअप, सेटिंग, मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो स्टाइल पर क्लिक करते हैं। ये इमोजी के बारे में आ गया, कौन सी इमोजी यूज़ करना चाहते हैं आप, एंड्रॉइड के करना चाहते हैं, फेसबुक के, ये मुख्तलिफ दिए हुए हैं। ये स्टाइल है आपका, टेक्स्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए। ये आगे चेंज नोटिफिकेशन आइकन है, जो नोटिफिकेशन आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। आइकन ईमो का लगाना चाहते हैं तब, मैसेंजर का लगाना चाहते हैं तब, जिस तरह का मर्ज़ी आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। कस्टमाइज, सब कुछ कस्टमाइज है इस ऐप में। सेटिंग पे चले जाएँ, बहुत सारी सेटिंग्स दी हुई है इसमें। ये आपको 15 लैंग्वेज का देता है कि आप 12 से 15 लैंग्वेज कर सकते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ की। ये सब आप चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बैक चलते हैं, अभी ये मीडिया हाइड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। बैक चलते हैं हम दूसरी सेटिंग्स की तरफ से। आगे होम स्क्रीन आ गया, इसमें हाइड बार में आप अपना नाम शो करवाना चाहते हैं नहीं करवाना चाहते, ये वाला ऑप्शन आ गया। इसके नीचे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम की स्टोरी की तरह लगाना है तो भी लगा सकते हैं आप। प्लान मोड है, प्लान मोड शो करना, या प्लान मोड आपको बता रहा होता है कि आप मैसेज कर सकते हैं नहीं कर सकते, मैसेज आ सकते हैं नहीं आ सकते। या डिसेबल क्लिकिंग ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। ये मुख्तलिफ ऑप्शन बड़े मज़े के हैं, बहुत अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं। लेकिन एक ही बात है कि ये APK फाइल है, ये इलीगल है, लीगल नहीं है। ये छोटा बड़ा साइज कर सकते हैं आप यहाँ से आकर। ये कलर आप कोई लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ये प्लस लगाना चाहते हैं या मल्टीपल का आइकन लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। ये कलर है, कलर लगाना चाहते हैं तो कलर लगा सकते हैं। ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। स्टेटस और बैक चलते हैं, कनेक्शन स्क्रीन पे आ जाते, कन्वर्जेशन स्क्रीन पे आ जाते हैं। एक्शन बार का कलर क्या होना चाहिए वो चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देख लीजिएगा। आपको बहुत इजी है, बहुत मज़े का है, फुल कस्टमाइज है। FMW व्हाट्सएप विजेट पे आ जाते हैं, ये देख लेते हैं हम। तीन ऑप्शन दिए हुए हैं इधर। अभी आप इसको मेन इसका ऑप्शन ओपन करेंगे तो आप इसके साथ अटैच करना चाहते हैं। अभी हम चलते हैं स्टेटस के बारे में, देखते हैं कि स्टेटस में क्या क्या है। ये कट वाला ऑप्शन है, ये मेरे से परमिशन मांग रहा है, मैं ये देखने लगा हूँ इसका स्टेटस। सेटिंग में जाना है, परमिशन दे देनी है इधर से आकर, तो परमिशन देती है मैं इधर से। कॉल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये दूसरे व्हाट्सएप की तरह है। इधर से कौन कौन आपको कॉल कर सकता है, सॉरी फॉर डेट, उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर स्टेटस लिखना चाहते हैं स्टेटस लिख सकते हैं। फिर इधर किस किस को दिखाना है वो भी ऑप्शन आ गया, ये वाला। अब चलते हैं, ये कट वाला ऑप्शन है, अगर आपके पास वीडियो से ये कट कर देगा मुख्तलिफ पार्ट्स में। यहाँ से कोई पिक्चर लगे, लेकिन मेरे पास, मैंने इसे अलाउ नहीं किया इसलिए ये ऑप्शन दे रहा है। फिर इधर अलाउ करते हैं हम, सॉरी अलाउ करना था, अलाउ कर देते हैं हम इसे। यहाँ से इसे परमिशन दे देनी है, मैं परमिशन दे दिया इसे, यहाँ से परमिशन मैंने दिया।
स्टोरेज की परमिशन दे लेनी है, बाकी आप देना चाहें या ना देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये स्टेटस शो होगा लेकिन मुझे डाउनलोड नहीं होगा, डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं क्योंकि इसे फ़ाइल की परमिशन नहीं दी थी, जस्ट स्टोरेज की दी थी, तो ये स्टोर ही कर सकता है ये। तो ये वही ये क्या ऑप्शन आ गया है। अच्छा, ये ऊपर एरोप्लान मोड है, ये आपके जा सकते हैं मैसेज या नहीं जा सकते, ये दूसरे व्हाट्सएप की तरह इसकी भी सेटिंग भी है, बाकी अगर कोई इस तरह सेटिंग करना चाहे तो वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक, सब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।